उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़कर यह पश्चिम बंगाल के अस्तित्व को बचाया था, इसको हमको ध्यान में रखना था। उन्होंने भारत को अखंड रखने के लिए हर तरीके की कोशिश की, अपना बलिदान दिया। बंगाल की संस्कृति की रक्षा करते करते देश की रक्षा के लिए वो हमेशा अपने आप के लिए तत्पर है। और एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा, इस बात की लड़ाई करते करते उन्होंने अपना बलिदान दिया। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति थी कि धारा 370 धाराशाही हुआ और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान बन गया। मित्रों, मैं इसलिए आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं क्योंकि एक तरफ हम ममता जी को देख रहे हैं और बंगाल को देख रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति को भी खतरा पड़ गया। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल विकास के लिए जाना जाता था, जो बंगाल देश को दृष्टि और दिशा देने वाला बंगाल था, जो बंगाल के बारे में कहा तक जाता था कि वह बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसे बंगाल को विकास को रोकने का काम, बाहरी और भीतरी का झगड़ा करने का काम, भाई को भाई से लड़ाने का काम और लोगों को शोषण के द्वारा भ्रष्टाचार से शोषित रखने का काम यह ममता जी की सरकार ने पकड़ा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। यह सरकार का परिवर्तन होना चाहिए और सरकार के माध्यम से बंगाल का असली परिवर्तन होना चाहिए और संस्कृति स्थापित होनी चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना। और इसीलिए परिवर्तन किस बात का परिवर्तन, बंगाल की जो वास्तविक संस्कृति है वो जीवित होनी चाहिए। बंगाल जो भक्ति के लिए जाना गया, जो शक्ति के लिए जाना गया, जो विकास के लिए जाना गया, जो औद्योगिकरण के लिए जाना गया, जो खुशहाल बंगाल, सोनार बंगाल जिसे हम कहते थे, जिसको ममता जी के राज में बहुत चोट पहुंची है, उसको असल परिवर्तन करके परिवर्तन यात्रा के माध्यम से असल बंगाल बचाना है, इसके लिए हमको काम करना है। और इसीलिए आज हम रार बंगाल में वीरभूम, कटवा, वर्धमान, आसनसोल, विष्णुपुर, बांकुरा और पुरुलिया होता हुआ ये यात्रा जो परिवर्तन यात्रा है वो घर घर जाना जाएगी, इलाके का दौरा करेगी, बंगाल की जनता को जगाएगी और बंगाल की जनता को साथ लेकर बंगाल का असल परिवर्तन करेगी, उसके लिए हम लगेंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना है। इसीलिए मित्रों, जब मैं आपके बीच में आया हूं तो आपसे मैं बताना चाहता हूं, 6 तारीख को परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हमने नवद्वीप बंगाल से शुरू की थी, नाडिया जिले से, और आज मैं यहां रार बंगाल में आया हूं। शाम को हम धारदार जाएंगे, हम यात्राओं की शुरुआत करेंगे और ये यात्राएं हम लोगों को विकास की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हुए जनता को जोड़ने का काम करेंगे। हम जानते हैं जब हम परिवर्तन यात्रा की बात करते हैं तो हम ये भी याद रखते हैं, अनय खोचे ममता जी, परिवर्तन चाहिए जनता, परिवर्तन चाहती है जनता। प्रधानमंत्री जी 7 फरवरी 2 दिन पहले बंगाल की धरती पर आए थे, हल्दिया आए थे और वहां उन्होंने 4,700 करोड़ रुपए के हमारे रिफाइनरी
के प्रोजेक्टों का श्री गणेश किया 4,700 करोड़ रुपए।